नमस्कार आदाब, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। सिटी न्यूज लगातार उन सभासदों के इंटरव्यू कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि किन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। और ये जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वह वार्ड 31 से मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं। उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने तीसरी मर्तबा जनता का दिल जीता है, किस तरीके से काम करेंगे। स्वागत है आपका सिटी न्यूज। शुक्रिया बहुत बहुत। इब्राहिम साहब, आपने तीसरी मर्तबा यहाँ से चुनाव जीता है, सभासद बने हैं, किस तरीके से काम रहेंगे इस बार? देखिए, जनता ने मुझ पर भरोसा किया है, तीसरी बार मुझे नगर पालिका में सीट दिलवाने का काम किया है और मैं जहाँ से काम छोड़े थे इंशाल्लाह वहाँ से शुरू कराऊंगा। क्योंकि हमारा यह वार्ड जो था बड़ा पिछड़ा हुआ वार्ड था, यहाँ पे कुछ नहीं था हमारी मेम्बरी से पहले। क्या क्या काम रह गए हैं जो आप काम कर रहने वाले? अरे, यहाँ पर जो कुछ जगह पर पानी की परेशानियाँ हैं वहाँ परेशानी को दूर करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। समर से भी लगवाएंगे जो पूर्व में लगवाए हमने पिछली मेम्बरी के अंदर। और हमारे यहाँ पाइपलाइन तक की दबी नहीं थी इससे पहले, उसकी वजह यह थी कि बाहर के सभासद यहाँ चुनाव लड़ते थे तो विकास अपने यहाँ कराते थे वो। अब जब हम जागरूक हैं और पब्लिक ने हम पे भरोसा किया तो हमने यहाँ पे काम भी कराया। जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं और जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? देखिए, जनता से क्या कहूँगा मैं, इस लायक नहीं हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे दूसरी बार घर बैठे तीसरी बार सभासद बनाया है। मैं उनसे क्या कहूँगा, बस मैं चाहूँ, मेरे बच्चे भी चाहें, उनका एहसान हम तमाम जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे मोहल्ले के सभी मतदाता हैं और सभी उन्हीं की वजह से मैं आज नगर पालिका तीसरी बार शपथ लूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो वार्ड 31 से इब्राहिम साहब थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और जनता के लोग उनके साथ हैं और उनके जो ये काम कराएंगे उनके कार्यों पर ये खरे उतरेंगे। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। शुक्रिया।